गया सर, एक तो गुस्सा नहीं चढ़ रहा बिल्कुल, बहुत कम मतलब चढ़ रहा है गुस्सा, और एक पोलाइटली और शांति से चीजों को हैंडल कर रहा हूँ सर बिल्कुल। अच्छा। मतलब मन कितने है नहीं बिल्कुल, कोई ऐसे फील होने लग गया है कि जो खुशी है, जो सुख है, जो मतलब मजा है, जो आनंद है, वो बाहर की चीजों में इतना है नहीं। अच्छा। मन के पीछे चीजों के पीछे, लेकिन फिर मन फिर अपने आप को समझाता भी है यार, कितनी बार हो गई भागते भागते, कितनी बार भागेगा, कब तक इन चक्रों में पड़ा रहेगा, कुछ जरा सोच समझ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हाँ। क्या बनना है, तेरा जीवन जा रहा है। हाँ। सोई बार गया, सोई बार आ गया, बस थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। ये देखो इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं अल्टीमेट सक्सेस इन स्पिरिचुअल साधना depends entirely upon the degree of fundamental qualifications in a seeker. When the person does not become a seeker, there is no chance to bring an end to the suffering. It will come again and again. That is the point. I'm not saying Master is saying, if I don't become a seeker, the journey has not yet started, even after years and the years of the practice. पर सर अब मैं enjoy कर रहा हूँ इस चीज को, मतलब पहले मैं एक तरीके से दवाई की तरह लेता था, अब मैं enjoy कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको सुनना, आपसे बात करना और मतलब मेडिटेशन करना, इसको एक आनंद के रूप में फील कर रहा हूँ। और सुनने के बाद भी तो सीकर बनना है, सुनने से तो फिल्म देखने चले गए, हेमा मालिनी गा रही है तो बड़ा एंजॉय करते हैं, तो लोग टीचर को एंजॉय करते हैं, लोग हेमा मालिनी को एंजॉय करते हैं, तो एंजॉयमेंट कॉमन डिनोमिनेटर है। एंजॉयमेंट तो कॉमन डिनोमिनेटर है भाई, पर वो एंजॉयमेंट कहाँ है? ऑग्ज तो ये कहते हैं दूसरी चीजें सेकेंडरी हैं। कौन सी दूसरी चीजें सेकेंडरी हैं एक सीकर के लिए? टाइम, प्लेस, रिलेशंस, बाहर की चीजें, ये सेकेंडरी हैं। तो उसमें ये कहा है ट्रू सीकर शुड लर्न टू इंक्वायर, वो थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, एंड मेडिटेट आफ्टर ड्यूली अप्रोचिंग ए गुरु। हु हैज ए कीन मेमोरी, तो यहां पर मेमोरी को कहा गया है, हु हैज ए कीन मेमोरी। कीन मेमोरी क्या क्या मतलब है? मैकेनिकल मेमोरी नहीं है यहां पे, ये है कि उसकी मेमोरी जो है हमेशा सेल्फ डिस्कवरी के बारे में विचार करती है। Enough knowledge of the world outside and understanding of the world within. Who can argue for the scriptures and refute argument against them? अब इसमें दो बातें हैं, एक तो भाई संसार बाहर है, objects of the world, दूसरा है यहाँ एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्ल्ड इनसाइड इन द माइंड,
तीसरा है आई एम एज एन एक्सपीरियंसर। तीन बातें। तो अभी दो हफ्ते पहले हमने बातचीत की थी एक तो इंटेलेक्चुअल समझना है कि ये कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग है और एक अवेयर होना है कि बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ द कंप्यूटर आई एम ए सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग आई हैव ए सात्विक पर्सनैलिटी आई एम ट्रीडिंग द पाथ ऑफ ए सेल्फ डिस्कवरी टू वाई Not because teacher tells me, because I am treading the path of a self-discovery to bring an end to the suffering and attainment of peace and happiness. So the more we pay attention to our experiences and the world outside, it will continue to bring the suffering. So, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं हमारे, मेरे लिए तो सारे गुरु हैं, जो कहते हैं वही मैं मानता हूं, including you. तो नहीं जी, मैं तो बड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूं, बड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूं, पर उस प्रैक्टिस में डिस्पैशन नहीं है, उस प्रैक्टिस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या होगा? किए जाओ जी प्रैक्टिस, बस वही चीज हो रही है, चलो अब छोड़ देते हैं, अब तो पा लिया, सब बेकार की बातें हैं। एकदम माइंड अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। जब सब कुछ गुडी गुडी लगता है ना लाइफ में, पैसा भी आ रहा है, बीवी भी सुन रही है, बच्चे भी ठीक कर रहे हैं, तब तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब कुछ अब तो आनंद में, और यही जब इसमें बाहर कुछ बिगड़ जाता है, बदल जाता है, तो माइंड जो है फिर एंग्जाइटी में आ जाता है, तो आदमी धड़ाम से नीचे गिरता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। एक मंजिल से गिरो तो छोटी थोड़ी चोट लगे, 10 मंजिल से गिरो तो थोड़ी सी ज्यादा लगे, 20 मंजिल से गिरो तो पता ही नहीं जिंदा है या नहीं है, वो जितनी ऊपर तक गिरोगे उतनी चोट। हाँ, तो ये हालत होती है आदमी जब गुडी गुडी में लगता है ना कि हाँ अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है इग्नोरेंस का। अगर इतना सस्ता होता आध्यात्मिक जीवन तो 26 साल नहीं लगाता। तो ये बात फिर क्या होगी कि धड़ाम से गिरे, एक मंजिल से जिंदा बचे, कहते सब बेकार है, कुछ नहीं रखा, छोड़ दिया फिर, और फंसे। क्यों फंसे? क्योंकि हमने जो साधना अभी तक की है वो बेहोशी में की है। गलती किसी की नहीं, ना तो शास्त्र की है ना गुरु की, अपनी गलती। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर बना रहता है तो गिरने के चांसेस नहीं रहते, एक बात। और गिर भी जाते हैं तो साधक जो है वो ये कहता है कि गिरा तो उठना तो है, गिरा इसीलिए कि उठना सीखना, तब वो व्यक्ति साधक है। नहीं तो अच्छा जी नमस्कार जी, आप तो बड़े महान गुरु हैं जी, और 10 मंजिल से गिरे तो आप गुरु घंटा लें जी, मतलब सब कुछ जो है बाहर के ऊपर जो है हमने दे दिया। तो बाहर के संसार में समस्याएं आएंगी ही। मेरे गुरुजी वो कहते थे कि संसार में समस्या नहीं है, संसार ही समस्या। जब तक हम संसार में हैं तब तक ये कहानी चलती रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा,
कभी बीवी नाराज, कभी बीवी खुश, कभी बच्चे इधर से उधर हो गए। ऐसी परिस्थिति में मन का क्या एटीट्यूड होना चाहिए यह हमने नहीं सोचा। अभी मैं सानिया के बारे में बात करूं, नहीं जी अच्छा ये करती है जी, अच्छा मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं, मैं थोड़ा सा वरीड हो जाता हूं, बहुत पेचीदगी है साधना की बात। तो साधक के अंदर क्या गुण होता है कि उपरति, उदासीन। उदासीन तो एक बात तो सही कही कि हाँ मुझे, मैं आनंद में रहता हूं, पर ये आनंद बना रहे जबकि मुसीबतें आए संसार में, जबकि बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस समय मन मेरा अशांत ना हो। पहली बात की शांत हो, दूसरी बात की उसके अंदर बुद्धि भ्रष्ट ना हो, बल्कि बुद्धि से वो समस्या का समाधान करे। ध्यान की एक अगली सीढ़ी है। अभी तो साधक ही नहीं बने, साधना तो बाद में शुरू होगी। तो उसके बारे में हमारे एक और महान गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, He alone is considered qualified to inquire and to become a sadhaka for the meditation to find everlasting happiness. कौन? जिसके अंदर विवेक है, एक बार। जिसके अंदर डिटैचमेंट है, दूसरी बार। जिसके अंदर क्वालिटी है, किसकी? कामनेस की, उदासीनता की, इंडिफरेंस एटीट्यूड की, और श्रद्धा की। हाथ जोड़ के थोड़ा श्रद्धा होती, तो इसका मतलब नहीं है कि हाथ नहीं जोड़ना, पर श्रद्धा को समझना है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ध्यान में बना रहता है। तो तीन चार बातें हैं, क्या कहा कि साधक कौन, साधक है जो कि इस यात्रा पर सही चलेगा, कभी नहीं रुकेगा। हमने दो हफ्ते पहले बातचीत की थी, असली साधक कुछ भी हो जाए, जर्नी कंटिन्यू है। पर वो जर्नी कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि बेहोशी में कंटिन्यू, होश में समझ के कंटिन्यू, जर्नी समझ के। वो समझ कहां से आएगी? जबकि हम विवेक होगा। पहली बात, विवेक की क्या बात है? क्या विवेक? विवेक का मतलब है अलग करना। क्या अलग करना? किसके किसको अलग करना? हाँ, तो चीनी को रेत से अलग करना, ये एक तरीका हुआ। कैसे अलग किया? अलग ऐसे किया कि हमें रेत की प्रॉपर्टीज पता हैं, हमें शुगर की प्रॉपर्टीज पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पता है। अब ये पता होने के कारण मैंने रेत को चीनी से अलग किया। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, दूध को पानी से अलग करना। तो ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में हंस पाए जाते हैं, और वो हंस कमल कमल के कमल के आसपास रहते हैं तालाब में। कमल की बड़ी मोटी डंडी होती है, उसमें दूध जैसा रस होता। तो जब भी हंस को भूख लगती है, वो कमल की डंडी को तोड़ता है, चोंच उसमें घुसाता है, और उसमें जो दूध है और पानी है, दूध और पानी को अलग कर देता। ये बड़ा सटल प्रोसेस। ये भी विवेक हुआ। दूध को पानी से क्यों अलग किया हंस ने? दूध पीना था। रेत को चीनी से क्यों अलग किया? रेत फेंक दिया, चीनी है। तो ये जो चीनी है ये श्रेयस है, ये जो दूध है ये श्रेयस है।
दूसरा प्रयास ये देखो, इसको कहते हैं विवेक, पर और गहराई से और अब चले ये उदाहरण से समझाया है, पर जब हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो दो चीजें दिखती हैं, है नहीं वहां पे, और गहराई की बात। साधक ऐसे नहीं बन जाता है। अभी तो हम साधक पूरी तरह से 100% से बनेंगे, तो पहली बात अब उसमें और चीजें जोड़ो कि दो चीजें दिखाई देती हैं पर हैं नहीं। हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैं कहता हूं आई एम इन एंग्जाइटी, तो एक तो मैं हूं और दूसरा है एंग्जाइटी, ये दो चीजें दिखाई देती हैं पर दो है नहीं। मैं पति, समीर पति, समीर और पति, दो चीजें दिखाई देती हैं, है नहीं। ये जो दिखाई देती हैं और उसी के ऊपर मन टिका रहे, मन उसी को मान के, ठीक मान के बैठ जाए, तो विवेक नहीं है। ये विवेक नहीं है, इसको कहते हैं हम आवरण शक्ति। माइंड यहां से इम्प्योर होना शुरू हो जाता है, इम्प्योर होता है तो दौड़ भाग करता है, दौड़ भाग करता है तो समस्या आती है, फिर वो समस्या, एक समस्या आई और दौड़ भाग की, दूसरी समस्या आई, फिर और दौड़ भाग की, तीसरी समस्या आई, फिर और दौड़ भाग की, चौथी, और फिर वो समस्याओं से घिर जाता है। इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ड्यूअलिटी, कॉन्फ्लिक्ट और दुनिया में। ये व्यक्ति, ये जो विवेक है, ये जो अवस्था है विवेक की, मन जब तक तैयार ना हो तब तक विवेक, इस तरह का विवेक नहीं आता। चीनी को शुगर से, चीनी को रेत से अलग करना बड़ा आसान है। हंस के बारे में सुना, दूध को पानी से अलग कर दिया, वो भी बड़ा आसान समझ में आता है। अपने घर को पड़ोसी के घर से अलग किया, ये भी समझ में आता है। अपनी बीवी को दूसरी बीवी से अलग किया, ये भी समझ में आता है। अपने बच्चों को दूसरे, तीसरी जो बात है, जब तक वो मन तैयार नहीं है अंदर से, मन की क्या तैयारी है? तो मन की पहली सबसे ऊपर से तैयारी, चलो मन को परम विश्वास है, किसके ऊपर? अपने ऊपर। क्यों विश्वास है? क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है टीचर के साथ, उसने मनन किया है, उसने विचार किया है। क्या विचार किया? मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं। अब ये श्रद्धा टूटने से रही, नहीं टूटती तो साधना जारी रहेगी। पर ये अवस्था कब आई? ये अवस्था आती है हमारे भगवान, हाँ, कृष्ण भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ, यानी स्टेडी इंटेलेक्ट। वो जो बुद्धि है वो 100% क्लियर है, स्टेडी है, यानी वो बुद्धि इधर से उधर नहीं होती, टस से मस नहीं होती। किस बात को लेकर? कि सेल्फ मेरे अंदर है और यही आनंद का स्रोत है। पर ये स्टेडी इंटेलेक्ट कैसे आएगी? ये स्टेडी इंटेलेक्ट आती है जब व्यक्ति सात्विक बन जाता है। सात्विक कैसे बनता है? देखो, एक एक स्टेज, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, सबसे ऊपर से गया फिर नीचे आया, सात्विक व्यक्ति। तो सात्विक व्यक्ति का यह मतलब नहीं है कि चिकन खाना छोड़ दो, मटन मत खाओ, मंगलवार को मत खाओ और शनिवार, इसका नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है।
सात्विक पर्सन का मतलब है कि उसका मन 24 घंटे अवेयरनेस चिंतन यानी थिंकिंग और कॉन्टेम्पलेशन में लगा हुआ है, पहली बात श्रेयस की। दूसरी बात है कि वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश आदमी कौन होता है? तामसिक। सेल्फिश आदमी को हमेशा एंजाइटी रहती है। बिल गेट्स से पूछो, एंजाइटी है बिल्कुल नहीं। ट्रंप से पूछो, पूरा एंजाइटी में। तो ऐसा नहीं कि सीखने से आता है, अपने अनुभवों से भी आता है। तो ये भी अपने अंदर से उस तामसिक गुण को हटाना है। तामसिक गुण मुझे सेल्फिश बनाता है। अनसेल्फिश है, एकदम मन खुल जाएगा, मन फैल जाएगा। राजसिक है, वही मन को दौड़ाएगा। सात्विक है, वो ज्ञान को लेकर तड़पता है कि ये ज्ञान मुझे मिल जाए, क्योंकि वो श्रेयस में। और नीचे चलो, सात्विक पर्सन कहां से आया, ये देखो नीचे जा रहे हैं, हमें पता लगेगा कहां से शुरू करनी। तो नीचे जाने का मतलब है कि हम मनुष्य तो हैं, दो पैर पे चलते हैं। समीर को भी देख के हर एक आदमी कहेगा आदमी ही तो है, मेरे को भी देख के कहेगा आदमी तो है, पर अंदर क्या चल रहा है इसको देखना है। तो अंदर चलने के तीन कैटेगरीज हैं। एनिमल मैन, या तो वो एनिमल मैन हो सकता है, या वो मैन हो सकता है, या वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। जानवर हो सकता है, तो जानवर का मतलब उसको, जानवर का मतलब उसको, अरे गुडी गुडी सब कुछ आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, बिजनेस भी ठीक ठाक है, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, पर लगे रहो तो उसी में, उन सब में खोया हुआ है, जागने की बात नहीं है। और वो ये कोशिश हमेशा करता है कि मैं संसार को, बाहर के संसार को जीत के रखूं, इसमें बदलाव ना आए। पर बदलाव तो आएगा, मतलब ऐसे ही बना के रखूं संसार को जैसे बना है। नहीं नहीं, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं। हाँ, सान्या इधर से उधर ना जाए, कायन ऐसा करे, हैं बीमार ना हूं मैं, हैं कविता को बिल्कुल ठीक ठाक रहे, हैं पापा जी 100 साल और जिए, बस ये सब बना रहे, पैसे ऐसे ही आते रहें, आज पैसा कम आया। एनिमल मैन, ये आदमी जब अपने को समझना पड़ेगा, जब मैं ये सब सोचता रहता हूं, ये सब मन में विचार उठते हैं, तो 100% है कि दुख आएगा और उसको संभालने की शक्ति नहीं है, फिर ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या गुड़ गोबर हो जाएगी? जी आप तो एंजाइटी ठीक नहीं कर रहे जी, मैंने तो प्रैक्टिस की, नींद नहीं आ रही जी। तो इतना हम समझ लेते हैं, मैं तो बड़े आराम से बोल देता हूं, तो इसलिए ये अगर लगता है कि बहुत ऊंचा पहुंच गए तो अपने आप को बार बार परखना है। दूसरी बात, मैन टू मैन, आदमी देखता है कहते हैं ठीक है मेरे अंदर बुद्धि है, बहुत हो गया, पैसा भी कमा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अब थोड़ा सा सोशल बन के रहे, इसको गिफ्ट दे दें, उसको दे दें, इसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं, वो लोग हमारे पास आ जाएं, तो हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए। हाँ सेक्स ठीक है, कर लिया, चलेगा, हाँ बच्चे को स्कूल में पढ़ा दिया, बड़े अच्छे स्कूल में, पैसे आ ही रहे हैं, ये भी दुखी आदमी होता है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं संसार। हाँ, पहले वाले से बेहतर है, जानवर आदमी से बेहतर है। और
तो ये देखते नहीं हो कि वहां पे गुड़ी गुड़ी सब कुछ गुड़ी गुड़ी है, तो बड़े मस्ती में है। थोड़ी सी समस्या आई बस परेशान हो गए, दुखी हो गए, दुखी रहे 5 दिन, दुखी रहे 6ठे दिन एंजाइटी, फंस गए। साधक कहाँ है? अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो साधक हैं जी, बड़ी मस्ती में चल रही है। साधक हैं, काहे के साधक हैं? ये शास्त्रों की बातें हमारे। फिर तीसरी जो स्टेज है उसमें यह है कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति बनता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे बनेगा? कि जितने भी मेरे अनुभव आते हैं मन के अंदर, ये मैं नहीं हूं। अनुभव क्या हो सकता है? दुख भी, सुख भी, परेशानी भी, समस्या भी, चैलेंजेस भी, पैसे कम आए या ज्यादा आए वो भी, और दुनिया भर की झंझट आ सकती है। तो तुमने ठीक कहा कि एक क्षण गुस्सा आया, वो एनिमल मैन था, फिर सामाजिक सोशल मैन बने तुम कि वो गुस्सा चला गया। आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर आता ही नहीं, परवाही जोर से बोलेगा, एक्टिंग करेगा, प्ले प्ले करेगा, सब कुछ करेगा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का एक उदाहरण दूं, इस रेस्टोरेंट में खाना बहुत बढ़िया, 2 व्यक्ति जाते हैं, तो एक व्यक्ति आध्यात्मिक है और एक व्यक्ति एनिमल मैन। बाहर से दोनों का इंटरेस्ट, दोनों को रेस्टोरेंट जाने की जल्दी, दोनों को खाने की जल्दी बराबर रहेगी। अंदर सब कुछ बदल गया। एनिमल मैन तो ये देखेगा कि यार कल खाया था, आज फिर खाऊं, परसों फिर खाऊंगा, पैसे जेब में और कमाऊंगा। तो वो भागा दौड़ी, उसकी एंजाइटी, उसकी खाने की जल्दी, उसके संस्कार बने रहेंगे एनिमल मैन। और आध्यात्मिक व्यक्ति, उसकी भी दौड़ वही है, वो भी वहां जाएगा, पर जाएगा इसीलिए, किसलिए जाएगा? मन की अवस्था ऐसी है, उसको ये 100% कंफर्म है कि इस खाने से सुख नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों जा रहा है वो? कर्म तो करना है, इसीलिए कर्म करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति कर्म भी करता है, कर्म से अलग भी हो जाता है। अच्छा ठीक है जी, आध्यात्मिक व्यक्ति है, देखा फिर पहुंच गए एनिमल मैन में। तुमने प्रश्न पूछा वो एनिमल मैन से, तो ठीक है भाई मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, आज से टॉयलेट जाना बंद, आज से खाना बंद, आज से सोना बंद। उसको कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, तो वो पत्थर से भी गया गुजरा। ठीक बात है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कर्म करता है अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को कर्म से अलग रखता है। हाँ, और साथ में जब उसको कर्म नहीं करना तो विड्रॉ कर ले जाएगा, यहां बिल्कुल विड्रॉ कर जाएगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं उसको संस्कृत में। कर्म तो वो भी करेगा, गुरुजी भी तो खाते थे, कहते अच्छा अच्छा लड्डू लाया, लाल खा लेता हूं, लाला जल्दी ला, ऐसा लगता था कि बड़े लालची। तो एक आम आदमी भी, बाहर आदमी वो भी लालची लगता है, पर वो संस्कार बना रहा है, ये संस्कार से छूट रहे। तो ये जब अवस्था आती है आध्यात्मिक व्यक्ति की, तब वो सात्विक व्यक्ति बनता है। सात्विक में सेल्फिशनेस हट जाती है, वो देखता है कि मन को और फैलाओ, कैसे फैलाएं, कुछ करें लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, मन को खुला रखें, केवल आई सेंटर्ड लाइफ ना हो।
वैल्यू सेंटर्ड लाइफ हो तो सात्विक व्यक्ति मन बड़ा हमेशा मस्त रहता है। आई सेंटर्ड व्यक्ति जो है वो हमेशा दुखी रहेगा, दुख दिखाएगा नहीं पर अंदर से उसको एक फियर बना रहेगा। आज कितने लोग आएंगे दुकान पे, आज नहीं आए, नहीं वो ले गया, नहीं ऐसे हो गया, दुनिया भर का झंझट वो मोल लेके रहेगा। बाहर सब कुछ काम वही, तो सात्विक पर्सन बनने के बाद हमारी बुद्धि स्थित होती है, स्टेडी इंटेलेक्ट होता है। तो स्टेडी इंटेलेक्ट जब होता है यानी वो स्थित प्रज्ञ जब होती है, अब ये बुद्धि इधर से उधर नहीं होने वाली, उसने देख लिया संसार में ये दुख भी आएगा कोई बात नहीं, सुख भी आएगा ठीक है, ये स्टडी इंटेलेक्ट हो गया। तो हमने चर्चा शुरू की थी विवेक की। विवेक का मतलब हमने ये सुना समझा, अलग कर देना, अलग अलग देखना। तो मेरे जितने भी अनुभव हैं अंदर और बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं, मैं उनसे अपने को अलग देखता हूं, अलग जानता हूं 24 घंटे। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो मन हमेशा मस्ती में रहता है। पहला गुण है साधक का, तब वो साधक हुआ। दूसरा गुण है, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य कहते हैं जब हिमालय चले जाओ, सारे पैसे दान कर दो, बीबी को छोड़ दो, ये सब मूर्खता की बात है। तो जितना जितना विवेक बढ़ता है अपने अंदर, वैराग्य अपने आप आ जाता है। क्या मतलब आता है? अरे मेरी बीवी मेरे से है ही अलग, चिंता काहे की करनी, विराग हो गया। इसको कहते हैं विराग। तो विराग पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस पे बहुत गहरी पकड़ चाहिए। तो जितना विवेक बढ़ता है ऑटोमेटिकली डिस्पैशन आ जाता है। विवेक है क्या? विवेक है ये पड़ोसी का घर है, ये मेरा घर है, तो डिटैचमेंट तो हो गई ना। तो गिर हुए कपड़े पहनने से अच्छा बीवी को कैसे छोड़ दें बिजनेस के, अरे किसने कहा छोड़ने, अंदर बदलो। तो ये दो उदाहरण हुए। उसके बाद आती है कि सम 24 घंटे उस अवस्था में बने रहना, श्रेयस का भाव बना रहे और साथ में शांति का भाव बना रहे, रिलैक्सेशन का भाव बना रहे। तो रिलैक्सेशन का भाव जब बना रहता है तब वो फिर वापस जाओ, साधक की जो बुद्धि है वो स्थित प्रज्ञ रहती है, सात्विक बनी रहती है, तामसिक रहेगी, सेल्फिश रहेगा, एजिटेशन में रहेगा। दूसरी बात यह है दम। आंखें इंद्रियों के द्वारा हम 50 चीजों को देखते हैं बाहर, और मन के ऊपर संस्कार बनते हैं, तो उसमें सजग रहना होता है, बार बार सजग रहना होता है 24 घंटे, चाहे बीवी को देखा, चाहे बच्चों को देखा, चाहे किसी चीज को भी देखा बाहर। तो वो सजगता जब बनी रहती है कि मन को बचाना अट्रैक्शन से और रिपल्शन से, वो कहां से आएगा? पहले विवेक, फिर विराग, और फिर सम, फिर दम। तीसरी बात आती है उपरति। अरे इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। किसमें? इस खाने में।
अच्छा आनंद आ रहा है तो मन क्या कह रहा है, दोबारा खाएं। तो भाई जब आनंद ले ही लिया तो दोबारा क्यों खाएं, मनन करना। तो मनन से ये पता लगा कि मेरा माइंड, ये भी उसने समझा कि उसने खाना खाया, प्लेजर आया और चला गया, तो माइंड मेरा दोबारा उस पर जा रहा है, इसका मतलब उसमें आनंद नहीं है। ये सोचना, ये समझना, उसको हम कहते हैं उपरति। किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। तो अगर ये नहीं हम सोचते हैं, रिपीट प्लेजर करते हैं, तो एंजाइटी आएगी या एंजाइटी अंदर बनी रहेगी। अब भोजन वही कर रहे हैं, अब उपरति है। पांचवी चीज है श्रद्धा, नहीं चौथी चीज है तितिक्षा, टॉलरेट करना है। टॉलरेट करना, मैं तो हजारों लोगों को टॉलरेट करता हूं। अभी एक सज्जन आए 2 साल से, कुछ नहीं, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं की, ही हैज टेकन मी फॉर ग्रांटेड। मैंने कहा यार तू ये 5 किताबें भेज दे। नहीं जी ये तो मैं नहीं भेज पाऊंगा। फिर 3 महीने के बाद अभी पिछले हफ्ते कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा भाई तू $50 पर सेशन 1 घंटे के बाद करने के लगेंगे, आप तो गुरु हैं। मैंने कहा मैं गुरु घंटा लूं, बोलो पूरी तुम पूरे संसार में फैला दो कि ये गुरु घंटा ले। यू टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो ये जो तामसिक गुण का है, जो आदमी एक्सट्रीमली सेल्फिश होता है वो इस ढंग से सोचता है। 2 हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते किया, पिछले हफ्ते फिर मैंने उसको कुछ कहा नहीं पैसे के लिए, वो तो चेक करता हूं, वो भी कुछ नहीं बोला। अब फिर कहते हैं गुरु ऐसे होते हैं, खा गुरु ऐसे होते हैं। अरे अपने को देखो पहले, तो इस बार नहीं बोला, दूसरी बार भी देखूंगा, तीसरी बार भी देखूंगा, और चौथी बार फिर कहेगा फिर ये गुरु घंटा हो गया, फिर मैं एक्टिंग करूंगा भड़कने की, पैसे भेजो। 3 साल से जब भी फोन करे अटेंड करूं, दुखी आत्मा, गाइडेंस से बढ़िया नौकरी लगी, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, अच्छी बीवी से साथ है, पर समस्या ही समस्या, कुछ नहीं है। समस्या खाली है, सेल्फिशनेस को छोड़ दे, समस्या खत्म। देख लो उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं तो मस्ती में रहता हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अच्छा गुरुजी, जैसे कि ये एक ही आदमी मिला है जो कि मेरे को गुरु बना के बैठा हुआ है, बेवकूफ बना रहे हो। अरे बेवकूफ मुझे नहीं बना रहे, अपने को बना रहे हो। मैं क्या बेवकूफ बनूंगा 60 साल, अपने को बेवकूफ बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आप तो गुरुजी हैं, गुरुजी हैं तो गर्दन काट के मंदिर में बिठा दो, बोलेगा ही गुरु गुरु करते रहो। तो ऐसा ये इसको श्रद्धा नहीं कहते, श्रद्धा कहते हैं जो सिखाया उसको, सीखा उस पर, मनन किया उस पर, उसी के द्वारा आगे बढ़े, उसका नाम श्रद्धा है। क्योंकि किसी से सीखा, जिससे सीखा इसीलिए वो गुरु है, इसीलिए हमने उसका आदर किया। मेरे अंदर प्रोग्रेस हो रही है इसीलिए मैं आदर कर रहा हूं, मैं आदर कर रहा हूं। तो ये सब दाव पेच मुझे पता। तो ये श्रद्धा 3 बार अभी भी देखूंगा, 3 बार देखूंगा, 3 बार फिर भड़कूंगा। तो ये श्रद्धा
का मायने गहराई से समझना होता है। और जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो समाधान आता है। समाधान के दो मतलब, एक तो है कि 24 घंटे ध्यान में बने रहना, और दूसरा मीनिंग ये है कि समस्याएं हैं भाई तो ठीक है, शांति से समस्या का समाधान ढूंढा। किसके द्वारा कौन ढूंढता है? बुद्धि। बुद्धि कैसी है? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्यों है? सात्विक व्यक्ति हूं मैं। सात्विक व्यक्ति क्यों हूं? क्योंकि मैं जुड़ा नहीं हुआ। समाधान अपना, जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है ही। प्रॉब्लम आती ही इसीलिए है कि सॉल्यूशन को निकालना। एंजाइटी है इसीलिए कि मुझे पीस में जाना। अच्छा हुआ कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, पीस में जाए, पीस को अच्छी तरह से अनुभव कर सके, सीख सके। ये सारी चीजें जब हम कर देते हैं, ये शंकराचार्य बोल रहे हैं, क्वालिफाइड अधिकारी, सीकर, साधक, कौन साधक है? इन सब गुणों से युक्त साधक। जब इस सब गुणों से युक्त साधक होता है तब क्या करता है वो, ये देखो। ये लास्ट बात आज की गपशप में, क्या करता है वो, क्या करता है वो, वो कहता है शास्त्रस्य गुरु सर्वदा स्थापनं बुद्धै शुद्धै ब्रह्मणि सर्वथा, नहीं ये नहीं, अब क्या करता है वो, चलो बीच बीच में मैं काट के बता रहा हूं। अब क्या करता है, मैं दूसरी बातें छोड़ रहा हूं, जो वो ह्यूमिलिटी से जाता है टीचर के पास विद एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस, इसको भी छोड़ रहा हूं ये। उसके बाद विद ऑल ह्यूमिलिटी वो ये कहता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस कर रहा हूं सफरिंग, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, आखिर ये क्या है, ये क्यों आती है, मेरा गोल क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, मैं इग्नोरेंस में कैसे रहता हूं, वो इग्नोरेंस क्या है, रॉन्ग नोशन मुझे क्यों दुख देते हैं, 6-7 क्वेश्चन इस तरह के वो पूछता। ऐसा व्यक्ति जब साधक होता है तभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछता, नहीं तो क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये जो व्यक्ति है ये भी कह रहा था जी 2 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा बच्चा करूंगा तुम्हारा, 3 साल से जो जी आपका आपका आशीर्वाद हो जाए। मेरा कैसे आशीर्वाद होगा तुम्हारे बच्चे होने में, मैं यहां बैठा हूं। नहीं सर आप समझे नहीं। मैंने कहा हाँ तुम समझा दो, और कुछ समस्या नहीं है, अटर सेल्फिशनेस। तो ये भड़क के भड़का में उसे, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे जीवन, जॉब अच्छी है, पैसा अच्छा है, दोनों मियां बीवी कुमार, कोई शांति वंती नहीं है, शांति का नामो निशान नहीं, एंजाइटी भरी हुई, डर भरा हुआ, ऑफिस में जाओ तो डर, बाहर जाओ तो डर, घर में आओ तो डर, साधक क्या बनेगा वो,
इस जन्म में तो नहीं होगा क्लियर। तो कहने का, उदाहरण देने का मतलब यह है कि हमें साधक, जब हम अनुभव करते हैं कि हम साधक हो गए, तो 24/7 उस अवस्था में बने रहे, और 24/7 अवस्था में बने रहेंगे तो हर एक चीज साधना हो जाती है। कुछ भी आए, समस्याएं आए जीवन में, सब कुछ, फिर साधक हमेशा सीढ़ी ही चढ़ता है, ऊपर ही बढ़ता है, गिरेगा तो बढ़ेगा। क्या मतलब? साधक का एटीट्यूड देखो, साधक का एटीट्यूड एक उस बच्चे की तरह होता है जिसने अभी उठना शुरू किया फिर गिर रहा है, अभी चल नहीं पा रहा, वो किसी से पूछता है, गिर जाता है तो किससे, किसी से पूछता है कि कैसे खड़ा हूं बताओ, तो कैसे चलूं बताओ, पूछता है नहीं पूछता? उसको कहते हैं असली साधक। बच्चा गिरा फिर उठा, फिर चला, फिर गिरा, फिर उठा, फिर चला। बच्चा नहीं पूछता किसी से, मम्मी जरा मुझे सिखाओ तो चलना कैसे, पूछता नहीं पूछता? उसको कहते हैं असली साधक, कि जितना सीखा है उसको गुनना है, बार बार फिर करना है, फिर करना है, फिर कैसे नहीं होगा, इसी लाइफ में होगा, इसी लाइफ में करूंगा, इसी लाइफ में पाऊंगा, वो है बच्चे वाला स्वभाव हो जाता है उसका।